आज हम लोग GTA 5 के अंदर कुछ सीक्रेट पुलिस कार्स को चोरी करने वाले हैं और इन कार्स को चोरी करने के बदले में सिमियन हमें पूरे के पूरे 10 मिलियन डॉलर्स देगा। तो भाई सिमियन ने हमें बताया है कि जो हमारी पहली पुलिस कार है वो इस सामने वाले लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन में है और उसने उस कार की पहचान ये बताई है कि वो कार ब्लू कलर में है। लेकिन भाई यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स हैं लेकिन कोई भी कार ब्लू कलर में नहीं है और भाई यहाँ पे एक पुलिस वाला है तो हम लोग सबसे पहले इसको मार देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। ओ भाई यार ये तो हमें ही मारे जा रहा। चलो भाई तो बड़ी मुश्किल से ये मर चुका है। अब हम लोग जल्दी से अपनी ब्लू वाली कार को ढूंढते हैं लेकिन भाई यहाँ पे इम्पाउंडेड कार्स रखाती हैं तो यहाँ वो कार नहीं हो सकती। हम लोग इधर वाले गैरेज में चेक करते हैं। ए गैरेज जल्दी से तुम खुल जाओ। और भाई ये देखो, अरे नहीं यार यहाँ पे तो वो कार नहीं है। चलो हम लोग यहाँ वाले गैरेज में भी देख लेते हैं। चलो गैरेज जल्दी से खुल जाओ। तो ओ यस यार हमें ये कार मिल चुकी है और भाई तुम लोग देख सकते हो कि इसका कलर ब्लू भी है। इसका मतलब हमें इसी कार को चोरी करना है। तो फ्रैंकलिन आराम से इस कार में बैठो, डरो मत किसी से। अरे यार ये कार तो लॉक है, अब हमें इसकी चाबी ढूंढनी होगी। तो चलो फ्रैंकलिन इस पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। चलो भाई तो हम लोग बहुत ही आराम से इस पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। अब जल्दी से हमें उस कार की चाबी को ढूंढना है और भाई मेरे ख्याल से उस कार की चाबी इस सामने वाले स्टाफ रूम के अंदर होगी। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि सामने एक पुलिस वाला है लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक ही पुलिस वाला है। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अंदर चलते हैं, उसे पता नहीं चलना चाहिए और जल्दी से चाबी को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे चाबी नहीं है, यहाँ भी चाबी नहीं है और ये देखो भाई ये तो उसी कार की चाबी है। चलो भाई तो हमने उस कार की चाबी को उठा लिया है और भाई अभी तक ये बंदा जो है कुछ पढ़ ही रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वैसे ही चलते हैं और फ्रैंकलिन जल्दी से इस चाबी को उस कार में लगाओ। भाई हमने तो एकदम सही चाबी लाई है और ये कार अनलॉक भी हो चुकी है। और भाई इस कार का नाम है कोइनिस एग। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि ये वाली पुलिस की कार कितनी ज्यादा औसम है। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इसे अपने घर पे ले चलते हैं लेकिन भाई उससे पहले हम लोग इसका इंटीरियर देख ले। ओ भाई यार कितना प्रीमियम इंटीरियर है। तो चलो यार जल्दी से इसे घर ले चला जाए। ये लो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए एक शानदार सी ब्लू कलर की पुलिस कार को ला दिया है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और सिमियन अच्छे से इस कार का ध्यान रखना, हम लोग अगली कार लेने जा रहे। तो भाई जो हमारी दूसरी पुलिस कार है वो इस सामने वाले जगह पे है और भाई मुझे पता चला है कि इस जगह पे 3-4 लोगों का मर्डर हो चुका है और इसी वजह से भाई यहाँ पे काफी सारी पुलिस आई हैं। लेकिन भाई हमें तो कार को चोरी करना है। तो भाई वो जो तुम्हें ग्रीन वाली कार दिख रही है ना, हमें उसी को लेना है। लेकिन यार दिक्कत ये है कि आगे सिर्फ पुलिस वाले ही जा सकते हैं। तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एक सेकंड यार, यहाँ पे एक पुलिस वाला है, मुझे इसे देख के एक बहुत शानदार आइडिया आया है। हम लोग क्या करते हैं, धीरे से इसे मार देते हैं। चलो भाई तो मैंने उस पुलिस वाले के सारे कपड़े को पहन लिया है और भाई अब हम लोग भी एकदम एक पुलिस वाला लग रहे हैं। तो सॉरी सर मुझे आज आने में थोड़ा लेट हो गया। और ये देखो यार किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग भी अब एक पुलिस वाले हैं। तो चलो भाई अब धीरे से हम लोग इस कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। सर मुझे आगे की तरफ ड्यूटी करनी है, इस वजह से मैं इस कार को आगे ले जा रहा। तो चलो भाई इस कार को पीछे किया जाए और भाई मुझे नहीं लगता हम लोग इस एरिया से इसे निकाल पाएंगे। तुम लोग देख सकते हो वहाँ बैरिकेडिंग है लेकिन हम लोग आगे से इसे निकाल सकते हैं। सर साइड हो जाइए प्लीज सर। अरे भाई जल्दी से इसे लेके निकलते हैं। ओ भाई इससे पहले कि उन्हें शंका हो, फ्रैंकलिन जल्दी कर प्लीज, फ्रैंकलिन जल्दी कर ले। अरे यार जिस चीज का डर था वही हुआ। भाई हमारे पीछे 3-स्टार पुलिस लग चुकी है तो अब हमें कोई मस्त जगह छुपने के लिए जाना होगा। तो भाई मेरे दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया आ रहा है। भाई छुपने के लिए इस सीवर से मस्त जगह और कोई नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कार को यहाँ पे पार्क करते हैं और फ्रैंकलिन जब तक पुलिस वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ते तुम यहीं पे रहो। चलो भाई यार फाइनली इन पुलिस वालों ने हमारा पीछा छोड़ा और भाई हम लोग एक बार इस कार का
इंटीरियर देख लेते हैं तो भाई ये एक लैम्बॉर्गिनी है और इस कार का लुक काफी अच्छा है। तो चलो फ्रैंकलिन, हम लोग जल्दी से इस कार को अपने घर ले चलते हैं। येलो सिमियन, हमने तुम्हारी कलेक्शन में एक शानदार सी पुलिस लैम्बॉर्गिनी भी ला दी है, तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। और भाई सिमियन तो मजे से गिटार बजा रहा है, तो भाई तुम अपना मजा कंटिन्यू रखो, हम लोग अगली कार लेने जा रहे। तो भाई सिमियन ने मुझे बताया है कि जो हमारी तीसरी पुलिस कार है वो इस सामने एक पुलिस वाले के घर में है, तो चलो भाई इसे तो चोरी करना काफी आसान होने वाला है। और ये देखो यार, इस कार के आसपास तो कोई है भी नहीं, तो चलो फ्रैंकलिन एकदम चेलो के यार आराम से इसे घर ले चलते हैं। अरे यार, सारी कार्स को आज ही लॉक होना है। भाई ये वाली कार भी लॉक है, लेकिन यार इसकी चाबी कैसे ढूंढेंगे। और ये देखो यार, सामने शायद से कोई है। भाई ये कोई पुलिस वाला तो नहीं, हम लोग एक बार देखते हैं। हाँ यार, ये तो एक पुलिस वाला है, मतलब चाबी भी इसी के पास होगी। तो ये शायद से बाइनोकुलर से कुछ देख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से इससे मारते हैं। और सर जल्दी से चाबी मुझे दीजिए। चलो भाई, तो मैंने उस पुलिस वाले के पैंट के जेब से उस कार की चाबी को निकाल लिया है। और यस यार, बहुत ही आराम से ये कार भी अनलॉक हो चुकी है। और ये क्या यार, ये तो एक पुलिस रेंज रोवर है। भाई मैंने आज तक एक रेंज रोवर पुलिस के रूप में नहीं देखी थी। तो चलो फ्रैंकलिन, इसे यहाँ से निकाला जाए और एक बार हम लोग इसका इंटीरियर देखते हैं। ओ भाई यार, एक टच स्क्रीन की पैड है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि इसका इंटीरियर भी काफी ठीक है। तो चलो भाई इसे अपने घर ले चलते हैं। येलो सिमियन, हमने इस बार तुम्हारे लिए एक पुलिस की एसयूवी लाई है, तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। और सिमियन कितना गिटार बजाओगे, अरे बस करो भाई। तो चलो यार, हम लोग उसे इग्नोर मारते हैं और चलते हैं अपनी अगली कार लेने। तो भाई मैंने अपनी अगली चोरी के लिए वापस से पुलिस वाले कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे भी सिर्फ ऑफिसर्स का आना अलाउड है। और भाई मैंने जब कुछ सूत्रों से पता लगाया तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही भयानक प्लेन क्रैश हो गया है। और भाई मेरे अंदाजे से यार यहाँ पे काफी सारे लोग मरे होंगे। भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लोगों की डेड बॉडी है, भाई हटाओ उसे। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से अपनी उस सुपर कार को ढूंढते हैं। लेकिन भाई किधर है वो पुलिस की कार, यहाँ पे तो सब बकवास कार है। हम लोग एक बार आगे देखते हैं। और ये देखो यार, मुझे आगे एक बहुत ही शानदार कार दिखाई दे रही। रुको, हम लोग आगे चलते हैं। और ये देखो यार, ओ भाई साहब, ये वाली पुलिस की सुपर कार कितनी शानदार है। तो फ्रैंकलिन जल्दी से इसमें बैठो। सर मैं इस कार को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। भाई जब पुलिस की ड्रेस होती है ना, तो फिर किसी से डर नहीं लगता। तो चलो यार, सब लोग साइड हो जाओ, सर हटिए। तो चलो हम लोग इसे बहुत ही आराम से यहाँ से निकालते हैं। और भाई ये देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि इसका जो इंटीरियर है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है यार। भाई इसका लुक मुझे अभी तक में सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। और भाई मेरे ख्याल से ये एक पगानी की कार है, तो भाई इस कार को हम लोग जल्दी से अपने घर ले चलते हैं। ये देखो सिमियन, इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार कार लाई है। तो चलो भाई हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। और सिमियन सारी कार्स का ध्यान रखना, हम लोग अगली कार लेने जा रहे। तो भाई जो हमारी अगली पुलिस कार है वो इस सामने मिलिट्री बेस के अंदर है। लेकिन भाई अगर हम लोग मेन गेट से जाएंगे फिर तो पुलिस हमारे पीछे तुरंत पड़ जाएगी, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। भाई मेरे ख्याल से इस मिलिट्री बेस के अंदर जाने का रास्ता सबसे मस्त ये होगा कि हम लोग इस पहाड़ से कूद के यहाँ पे आ जाते हैं। और भाई ये देखो यार, हमारे पीछे पुलिस भी नहीं पड़ी। अरे यार जल्दी से हम लोग इसे मारते हैं। अरे भाई यार, उसको मारते ही हमारे पीछे 3-स्टार पुलिस लग चुकी है। अरे भाई हटो यार, मुझे यहाँ पे जेल में नहीं जाना है। तो भाई वो कार इधर नहीं है, सिमियन ने बताया था कि वो इस सामने वाले वेयर हाउस में है। तो चलो यार जल्दी से यहाँ चेक करते हैं। अरे हट जाइए। ओ भाई यार, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जल्दी से इन दोनों को मारते हैं। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार। तो चलो इसको मारा, इन दोनों को मारा। ओके ओके ओके, तो चलो भाई अब जल्दी से उस कार में बैठा जाए। ये देखो यार, ये रही कार।
तो चलो भाई, इससे पहले कि मामला बिगड़े हम लोग इस कार को लेके निकलते हैं। चलो भाई, तो आराम से इस कार को निकाला जाए। ये क्या यार, यहाँ पे तो टैंक है। ओ भाई, जल्दी से खिसकते हैं यहाँ से। लेकिन भाई तुम्हें एक मस्त बात पता है कि ये पूरी कार बुलेट प्रूफ है, लेकिन यार टैंक प्रूफ नहीं है। ओ भाई, जल्दी 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 यार, ये सब तो पूरा भयानक टैंक हमारे ऊपर भेज रहे हैं। चलो भाई यार, बस हम लोग इसके एग्जिट पे आ चुके हैं और यस, हम लोग बहुत ही आराम से इस मिलिट्री बेस से बाहर निकल चुके हैं। और भाई, इन तुच्छ पुलिस वालों से दूर भागना तो बहुत आसान है। ये देखो सिमियन, हमने इस वाली कार को पुलिस की मिलिट्री बेस से चोरी किया है। तो चलो भाई, हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और सिमियन हम लोग जा रहे हैं अगली कार लेने। तो भाई, सिमियन ने हमें बताया है कि जो हमारी अगली पुलिस कार है वो एक सीक्रेट वेयर हाउस के अंदर है। तो भाई, उसने हमें यही लोकेशन बताई थी। मेरे ख्याल से भाई यही घर वो वेयर हाउस होगा। तो चलो फ्रैंकलिन, आराम से इसके अंदर चलते हैं। और ये क्या यार, दोनों गेट हमारे लिए खुल गए। इसका मतलब भाई यही है वेयर हाउस। और ये देखो, शायद से हमें इसी कार को चोरी करना है। और भाई, ये तो दुबई की पुलिस कार है। भाई ये कितनी ज्यादा ऑसम लग रही। और भाई, इस जगह की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इस टाइम कोई है नहीं। तो चलो भाई फ्रैंकलिन, यही मौका है इस कार को चोरी करने का। हम लोग जल्दी से इसमें बैठते हैं। अरे यार, ये कार लॉक है। बहुत सही यार फ्रैंकलिन, तुमने क्या शीशा तोड़ा है। तो चलो भाई, इससे पहले कि कोई यहाँ पे आए, हम लोग जल्दी से इस कार को लेकर यहाँ से निकलते हैं। हट जाओ सामने से, इस गेट को तोड़ते हैं और चलो भाई इस कार को लेकर निकला जाए। लेकिन उससे पहले यार, हम लोग इसका इंटीरियर देख लेते हैं। तो इंटीरियर तो इसका बहुत बेकार है यार, लेकिन बाहर से लुक काफी सही है। तो चलो फ्रैंकलिन, जल्दी से इस शानदार कार को अपने घर ले चला जाए। ये देखो सिमियन, इस बार हमने तुम्हारे लिए एक दुबई की पुलिस कार लाई है। तो चलो भाई, हम लोग इस दुबई वाली पुलिस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं। और भाई ये देखो यार, सिमियन को कार से इतनी पसंद आ रही कि वो तो फोटो ही खींचे जा रहा। तो चलो भाई, हम लोग उसे फोटो खींचने देते हैं और चलते हैं अपनी अगली कार लेने। तो भाई, जो हमारी आज की लास्ट पुलिस कार है वो इस सैंडी सोर्स पुलिस स्टेशन के सामने है। और भाई, तुम लोग देख सकते हो कि इसे चोरी करना तो काफी आसान है। लेकिन ये क्या यार, इसके अंदर तो एक पुलिस वाला बैठा है। तो चलो भाई निकलो, ये कार अब से हमारी है। तो चलो फ्रैंकलिन, हमने इसे निकाल दिया है। अरे यार, इसके पास तो गन है। ओ भाई अरे यार, इसने हमें निकाल दिया। भाई हमारे ऊपर ये गोली चला रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मारते हैं और अब जल्दी से इस कार में बैठ के निकलते हैं। भाई उन लोगों ने हमें गजब परेशान किया। और भाई, हमारे पीछे 3 स्टार पुलिस भी लग चुकी है, लेकिन हम लोग इनका पीछा काफी आसानी से छोड़ा ही लेंगे। ये लो सिमियन, आज की लास्ट पुलिस कार। तो चलो भाई, हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। और भाई यार, फ्रैंकलिन ने तो आज काफी गोली खाई है। तो सिमियन, जल्दी से मुझे मेरे $10 million दो। ये देखो भाई, सिमियन ने मुझे $10 million भी दे दिए हैं। और भाई, अब तुम्हारी बारी है कि तुम जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें इन सारी की सारी कार में से कौन सी कार सबसे ज्यादा मस्त लगी। अगर भाई तुम मुझसे पूछो तो काफी सारी कार सी मस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा मस्त मुझे ये ब्लू वाली कार लगी है। भाई इसका लुक कितना ऑसम है। लेकिन तुम्हारी इनमें से कौन सी कार फेवरेट है, नीचे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो चलो भाई, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड जय हिंद।